बाबा जो सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम चार लाइन भूमिका के भाव में बतावल गई मोड़ दे जो जमाना वही मर्द है इस जमाने की तस्वीर को जो बदल दे स्वच्छ दे के प्रशासन धर्म नीति का जो की बढ़ती अनीति वही पर कुचल दे और आतंक चारों तरफ उछा गया पापियों का बसेरा कहर बन गया आज मानों से दानों बने अब दुनिया में जीना जहर बन गया गौर करेंगे बाबूजी बिरहा तो बहुत आप सुना करते हैं तमाम तमाम कलाकार भी सुनाते हैं हम बिरहा गायक रामराज मौर्य व साथी आज जो समा फिल्म के माध्यम से भाई हाकिम जी और राजन जी के देख रेख में इस बिरहा को प्रस्तुत कर रहे हैं विशेष मांग पर आज भारत को 75 साल आजाद हुए हो गया लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी हीन मानसिकता है और मानसिकता नहीं बदली है जाति सूचक शब्दों का वो प्रयोग किया करते हैं छूत अछूत का भेदभाव रखते हैं इस बात पर हमें कहना पड़ा और हमारे कवि जी ने बड़ी ऊंची बात लिखा है एक घटना घटी जिसका जीता जागता प्रमाण है राजस्थान में जो जालौर जिला के अंतर्गत एक घटना घटित हुई तो पूरा देश शर्मसार हो गया पेपर के माध्यम से विशेष रूप से हम अमर उजाला पेपर से इस जो प्रकाशित हुआ था उससे ये घटना ली गई है एठे गीत के अंदाज बा कैसे मास्टर बाबा तर्ज तो आप लोग बहुत सुनीला भाव पर ध्यान देंगे याद आती है पढ़ पढ़ रुलाई पापी ने दामन सुन कर दिया पापी ने चमन सुन कर दिया प्यार दे के हो प्यार दे के सवारा गुल हजारा पापी ने दामन सुन कर दिया प्यार दे के सवारा गुल हजारा करेंगे बाबूजी इस वतन को इस देश को हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान देश के जाबाज सपूत सिपाही खूनों की बाजी लगा करके जान की बाजी लगा कर खूनों से इस वतन को सींचा है आज कुछ चंद ऐसे हैं जो हीन मानसिकता के लोग
आज बाबा साहब के उस संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यही से विराह का शुरुआत पर नज्म के लाइन लगल मास्टर नर 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 बाबा। हमारा हिंद देश सदियों से महान रहा, जहाँ पर धर्म नीत दीक्षा का स्थान रहा। ध्रुव प्रहलाद देश ध्रुव प्रहलाद ऐसे माता के संतान रहे, जिनके नाम का होता सदा गुण। मगर कैसा जमाना जालिम बन के आया है, शिक्षक हो के भक्षक बन के कहर ढाया। जुलाई बीस वाली घटना दिल दहलाय दिया, जुलाई बीस वाली घटना दिल चिराग जलता हुआ पापी ने बुझा दिया। गौर करेंगे बाबूजी विरह वाली लाइन पर ध्यान देंगे, कब के और कहाँ के कैसन कहानी बाई। आपको मैं पहले बताया हूँ, प्रांत राजस्थान जिला जालौर के अंतर्गत साथियों सुराड़ा गांव सायला थाना के अंतर्गत देवाराम एक दलित किसान थे, उनके बेटे का नाम इंद्र मेघवाल था। बताया जाता है बाबूजी 20 जुलाई को जो घटना घटित हुई पूरे देश को शर्मसार कर दिया। बड़ी सुंदर भाव कवि जी लिखलन और भाव वह बा इंद्र मेघवाल रहला सुघारा लाला नवा नवरे बारिश के सुकुमार हो गौआ सुराड़ा जे कर साया लाबा थनावा देवराम पिता के दूलार रहला सरस्वती विद्या मंदिर ईसा कुलावा पढ़ा था मासूम हो ना माई बाबू के रहल हर आखी का पुतरिया माई बाबू के रहल आखी का पुतरिया सपनों से भरा संसार हो। ए बाबू पिता देवाराम के आंख का तारा था बेटा, नाम जिसका इंद्र मेघवाल, 9 वर्ष का वो बेटा कक्षा 3 में पढ़ता था सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर। बाबूजी की बड़ी सोच थी, बड़ी ऊंची सपना थी कि हमारे बेटा पढ़ लिख के बढ़िया विद्वान बनी, हमारे बेटा ऑफिसर बनी। बड़ी ऊंची ऊंची सपना थी और बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर बराबर ख्याल रखते थे। भाव तनी यही बदल गए मास्टर, वह गवैया लोग गावलन जब मल्ला भैया लोग नैया के पुजैया करल है का गावल जिया जिया मास्टर क्या बात है। सुतल ही गंगा के हर जगह भैया मलाऊ उठाए गंगा जी भैला भोरावा बिहानावा उठाए गंगा जी जुलाई को घटना घटित हुई। वो घटना घटित कैसे हुई? माई का सपनावा हर माई का सपनावा सजा के यार मनावा पुराई के होना पुराई के होना आई अपने कुलावा का नमावा जगाई के होना अपने
पढ़ लिख के होई है, पढ़ी लिख के होई है, विद्वान मोर लाला नवा माई के ही रवाना, हो माई के ही रवाना, प्यारा बाबुल का लाला नवा माई के ही रवाना। माई और बाप के बड़ा ऊंचा सपना रहल कि बेटा हमार इंद्र मेघवाल पढ़ लिख के विद्वान बनी है, ऑफिसर बनी है। बड़ी ऊंची ऊंची सपना देख रहे थे, बिरहा में टेरी के लाइन लग गए मास्टर। हरे राम आशा की किरण आशा बन गई, हरे आशा की किरण आशा, आशा की किरण आशा बन गई, शिक्षक बना निर्दय रहा खून का प्यासा, यार हो प्यासा, यार हो प्यास। शिक्षक बना निर्दय रहा खून का प्यासा, आशा की किरण नियासा बन गई। बतावल जला ए बाबू, हर कठिन समय आते बेला में सज्जन की होती पहचान, ख्याल करा शिक्षक बन करके, हर छुआ छूत का किया गुमान, गौर करा मटुकी के पानी, सुना सुजान, हरे घोर घमंड में छैल सिंह, घोर घमंड में छैल सिंह, मारा थप्पड़ पाजी नादा, मारा थप्पड़ पाजी, जी तनी बिरहा पर गौर करेंगे। यही से ही घटना का शुरुआत हो। बतावल जला इंद्र मेघवाल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था, उसी में एक शिक्षक था जिसका नाम छैल सिंह था। बाबूजी राजपूती ठाट बाट में हमेशा रहा करता था, स्कूल के बगल में उसका वहीं कमरा था जिस कमरे में वह रहता था, और एक मटके में पानी रखा था। बतावल जला ये बाबू, प्यास बड़ी जोर से लगी थी और इंद्र मेघवाल वह अबोध बालक, 9 साल का बालक जो कक्षा 3 में पढ़ता था, देखता था कि हमारे गुरुजी मास्टर साहब उसी घड़े से पानी पीते हैं, तो गया निकाल करके उसी से पानी पी लिया। पानी पी लेना ही गुनाह था साथियों। जरा देखें जाति बात की भाव लेकर के छुआछूत की भावना, जो आज इस तरह का समाज, जबकि विद्यालय के अंदर आज एक विद्यालय एक ड्रेस चलता है, सब बच्चों का एक ही ड्रेस होता है ताकि उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई न बने, लेकिन उस विद्यालय के अंदर ऊंच नीच की भाव लेकर के छैल सिंह उसे इतना मार दिया, थप्पड़ से मारा इतना मार बाबूजी। जैसा कि बताया जाता है, पिता देवाराम का कहना है कि हमारा पुत्र दलित था, छैल सिंह जो है उसे इतना मार दिया कि उसके कान का जो है नस फट गया, हाथ पांव कांपने लगते हैं छुआछूत की भाव लेकर के। तनी बिरहा में ही गीत लग गए मास्टर, बेहोशी हालत में जब लड़कवा घर आयल बा, लोग ले लन उठाई के, बाबूजी सब परिजन के साथ उसे जिला अस्पताल में ले जाते हुए सोरठी लोग गावल कैसे, आह के ललकी महा हर लाल रंग झा
हे राम लाल की झलरिया जनवा मारेले हो। लेकिन बिरहा वाली भाव पर ध्यान देंगे बाबूजी। लगली खबरिया चलला अस्पतालवा मोरे राम, हे रामा हे रामा हे रामा मासूम होरिलवा आसुआ ढार लहोरा, हे रामा आसूम पहरवा हेरा डार लहोरा, हेरा मताल ए बाबू बतावल जला। पिता देवा राम सब परिवार के कुछ लोग परिजन मिलकर देखा इंद्र मेघवाल मासूम बच्चे को बेहोशी हालत में जिला अस्पताल ले गए। वहाँ हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर रेफर कर दिया, उदयपुर को गए। कुछ दिन दो चार दिन उदयपुर रहे, हालत नाजुक देख करके कोई सुधार नहीं हो रहा है तो निजी अस्पताल अहमदाबाद में लेकर चले गए। और जब कुछ दिन भर्ती की ये दवा चला, ए बाबू काल के पहरा जाग गई बा। इतनी मार मार दिया था, दोनों कान की नस फट गई थी, हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। 24 दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच उसी अस्पताल में झेलता रहा। 24 दिन के बाद दम तोड़ देता है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, वह बालक जिसके ऊपर इतना ऊंचा सपना था, बेटा के ऊपर माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा सुनने के बाद पूरे देश में गम सा हो गया। माई बाबू रोवत हुए, गीत लग गए मास्टर ही कि रो माई बाबू बिलखाई रे लालना, रो माई बाबू कहवा गईला छोड़ के पराई रे लालाना, कहवा गईला छोड़ के पराई रे लालाना। बाबू का मुहावा देख के, बबुआ का मुहावा देख के माई रोवतिया, कहती बाबू कहाँ छोड़ के चल गईला। सावले सलोना रहला मोहनी मुरतिया, मोहनी मुरतिया दिलवा से बिसर नाही तोहरी सुरतिया, दिलवा से बिहार कहवा गईला छोड़ के पराई रे लालाना,
गांव में गम है, पूरे देश प्रदेश में गम है। जहां भी पेपर लोग पढ़े, आंख से आंसू छलक पड़ा कि इस तरह का निर्मम हत्या किया। वो मास्टर कौन था जो स्कूल के अंदर जो गुरु माना जाता है, बच्चे को इतनी मार मार दिया। लेकिन जरा गौर करें, हमारे देश में जो आज संविधान बना है, हम सशक्त बार नमन करते हैं बाबा साहब को, जिन्होंने अपने संविधान के तहत हम दबे कुचले शोषित दलितों के लिए सुरक्षा का एक कानून बनाया। पहपट के अंदर लिखल गया मास्टर बा, हरे बनल बसुंदर, बनल बसुंदर भारत में, हरे विधनवा हिंदुस्तानवा में, हो बनल बसुंदर भारत में, विधनवा हिंदुस्तानवा में, अछू अछूत का मिटा दिया निशनवा हिंदुस्तानवा में। यही धर्म की रेखा हो, और गिरफ्तार भय छैल सिंह नदनवा हिंदुस्तानवा में, आईएससी एसटी एक्ट बनल कानूनवा हिंदुस्तानवा में। गौर करेंगे बाबूजी, आज संविधान के तहत जो कानून बना है एससी एसटी एक्ट के माध्यम से, थाने पर जब खबर पहुंचा है, थाने के एसओ साहब, थाना अध्यक्ष, मैं सभी लोग गए हैं, छैल सिंह को अरेस्ट कर लिए हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं बाबूजी। एक तरफ तो देखें गिरफ्तारी हो गए, और इतना ही नहीं साथियों, चारों तरफ खबर पहुंचा है। उसी बेला उसी समय में हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। चार लाइन तो देश में खुशी रहल, वो खुशी के चार लाइन भाव के भी दिहलन, तिरंगा फहराया जा रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। आल्हा के अंदर कह नाम बा, हरे बिहसे ले धरती बिहसे, बिहसे ले धरती बिहसे, बिहसे ला गगनवा भैया, हसला सदा गावा से देखा बाबू जान, अमृत महोत्सव का जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरा देश झूम रहा था। दूसरी तरफ यही हृदय विदारक घटना जो घटी राजस्थान में, उसके ऊपर थोड़ा हम चल रहे हैं। सदर के लाइन में आ जा मास्टर जी, आ रे याद आवे दिनवा समैया वही घरिया, चल बा तूफान राजस्थान दरम्यान, सुनी भैली गोदिया हो जाने जननी का, हर सुनी भैली गोदिया हो जाने जननी का, हर बाबुल का या धार बाबू रहती के ठेकान, सिंधिया जी आ दुखवा के घटना सुनी भैल हैरान, बस
बताया जाता है बाबूजी घटना का खबर सुनकर के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजेश सिंधिया तमाम सारे नेता लोग आए और जगह जगह से अपना सहयोग किए, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपए का सहयोग राशि उस पीड़ित परिवार को दिया गया। आश्वासन दिए, भरोसा जताए कि घटना की हम विधिवत जांच कराएंगे और ताकि पूरे परिवार को, जो दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार, उसे न्याय मिल सके। आखिरी भाव में कवि जी का एक समझौता है आज के मानव और दानों के बीच जो फर्क दिखाई दे रहा है। मानव मानव है, सारे संत गुरुओं ने एक पाठ पढ़ाया है, एक संदेश दिया है कि छूत अछूत और नीच ऊंच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे मानव मानव हो। खास तौर से जो विद्यालय हमारा मंदिर है जिसमें सभी छात्र को एक बराबर समझा जाता है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने किया क्या, आखिरी भाव में यो मामा सर हर मानवता का धज्जी हर उड़ावल पजिया अब भागी बन के दागे शिक्षा में लगौले पगिया शिक्षा के ज्ञान मिलल गुरु के शरणिया आई ऐसन अब के गुरु मिलने सुन कर दनिया हर धर्म नी दयाज ठुकर वाले पजिया अब बागी बन के दाग शिक्षा में लगवल पजिया हर दिन दिन या तंक बढ़ल बिगड़ल समैया नाही जी न माई बाप नाही जी न भैया हर कुलवा कनमावा डूबवले पजिया अब बागी बन के दाग शिक्षा में लगौले पपिया आखिरी में गुरु गुलशन का पहचान गुरु पत्तू गुरु अक्षय पर जी पारस जी स्वर्गों के बासी कथन कर कवि राधे श्याम संजय गुड़वा के राशि अरे आशा की किरण नियासा बन गई मौर्य राम राज हुकूमत बनी तमाशा आशा की किरण आशा